स्वागत है आप सभी का दोस्तों हमारे चैनल स्टडी विद स्वाति में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लेसन प्लान नंबर 5 को लेकर के, जो कि आपका इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड है। और आज का टॉपिक है हमारा द बियर स्टोरी। इसके पिछले वीडियो में हमने 1 से 4 तक के लेसन प्लान को लेकर के बात की थी, जो कि आपका इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड था। और जो आपका टॉपिक था वो स्टोरी बेस और ग्रामर पोर्शन दोनों से ही रिलेटेड था। तो अगर आप बीएड थर्ड सेमेस्टर में हैं या फिर आप डीएलएड सेकंड या फोर्थ सेमेस्टर में हैं, तो आप अपने लेसन प्लान तैयार कर सकते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड। इसके लिए आप हमारी होम पेज पे जाकर के वहां पर आप जैसे ही इंग्लिश के लेसन प्लान सर्च करेंगे, आपको 1 से 20 लेसन प्लान देखने को मिल जाएंगे, जिसे देख करके आप अपनी इंग्लिश की लेसन प्लान फाइल तैयार कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले आप लेसन प्लान नंबर डालते हैं, जैसा कि आपको पता है। उसके बाद डेट, जिस भी डेट को आप लेसन प्लान बनाएंगे यहाँ पर वो डेट डालिएगा। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है और टॉपिक है आज का हमारा द बियर स्टोरी। पीरियड की बात की जाए यहाँ पर तीसरा पड़ा है। आप चाहें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जो चाहें आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। ड्यूरेशन एंड टाइम पीरियड की बात की जाए यानी समय अवधि, तो ये आपकी 35 मिनट है। क्लास की बात की जाए तो क्लास थर्ड है और क्लास थर्ड में ही आज हमारा टॉपिक है द बियर स्टोरी। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जनरल एम्स। जनरल एम्स के बारे में बात की जाए तो इसमें आप स्टूडेंट को जनरल इन्फॉर्मेशन देते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड। इसमें आप पहला पॉइंट लिखेंगे टू इम्प्रूव द स्टूडेंट्स एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली इन फॉर्मल, रिटन एंड ओरल इंग्लिश। सेकेंड पॉइंट है टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिसिएशन ऑफ सब्जेक्ट। थर्ड पॉइंट है टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट टू इंगेज इन क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन। फिर आपका फोर्थ पॉइंट है टू इंट्रोड्यूस द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द सब्जेक्ट्स। फिफ्थ पॉइंट है टू डेवलप अ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर। तो ये हो गए आपके जनरल एम्स, जो कि आपके इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड थे। फिर आगे हम देखेंगे स्पेसिफिक एम। स्पेसिफिक एम की बात की जाए इसमें आप टॉपिक से रिलेटेड स्पेसिफिक जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होती है वो आप स्टूडेंट को प्रोवाइड कराएंगे। जैसे कि इसमें आपके 3 पॉइंट होते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। फर्स्ट है आपका कॉग्निटिव, इसमें फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स विल एबल टू रिकॉग्नाइज द स्टोरी। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट्स विल एबल टू परसीव द स्टोरी, ठीक है। फिर है आपका अफेक्टिव। अफेक्टिव में पहला है आपका स्टूडेंट्स विल एबल टू राइट द करेक्ट वर्ड्स। आपका सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट्स विल बी एबल डिफरेंटिएट बिटवीन द वर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर हो गई बात आपकी अफेक्टिव एम्स को लेकर के। आगे हम देखेंगे इसी में साइकोमोटर। फिर आप डालेंगे साइकोमोटर, इसमें आप फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे द स्टूडेंट विल बी एबल टू ग्रुप द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरी। सेकंड पॉइंट है द स्टूडेंट विल बी एबल टू रीड द स्टेंजा कॉन्फिडेंटली, ठीक है। यहाँ पर बात हो गई आपके स्पेसिफिक एम को लेकर के, जिसमें से आपने तीनों पॉइंटों को देखा। आप कम करना चाहते हैं तो इन पॉइंटों में एक एक पॉइंट भी डाल सकते हैं। आगे हम देखेंगे टीचिंग एड्स, इसमें आप सहायक सामग्री लिख सकते हैं जो भी आप टॉपिक को पढ़ाते समय यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया है फ्लैश कार्ड, ठीक है, या फिर अगर आप कोई पिक्चर यूज कर रहे हैं तो वो भी डाल सकते हैं। फिर देखेंगे हम प्रीवियस नॉलेज, यानी जिसे आप पूर्व ज्ञान कहते हैं। इसमें आप बच्चों का पूर्व ज्ञान चेक करेंगे, इसमें आप लिखेंगे द स्टूडेंट हैव प्रीवियस नॉलेज अबाउट द टॉपिक। फिर आगे हम देखेंगे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, यानी जो आपके प्रस्तावना प्रश्न होते हैं, इसमें आप टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रस्तावना प्रश्न होंगे उसको आप बच्चों से निकलवाएंगे। इसके लिए आप 3 कॉलम बनाएंगे, सीरियल नंबर, पीपल, टीचर एक्टिविटी। थर्ड रहेगा स्टूडेंट रिस्पॉन्स। इसमें आप फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेम ऑफ द पेट एनिमल्स मोस्ट पीपल टेंड टू कीप। स्टूडेंट रिस्पॉन्स में स्टूडेंट ने बताया डॉग, काउ, कैट एक्सेट्रा। सेकंड है कैन यू थिंक ऑफ सम अनयूजुअल पेट्स दैट पीपल कीप। बच्चे बताएंगे मंकी, बियर एक्सेट्रा। फिर थर्ड है आपका आर यू अवेयर अबाउट द स्टोरी द बियर स्टोरी। स्टूडेंट रिस्पॉन्स में स्टूडेंट ने बताया नो रिस्पॉन्स, यानी नो रिस्पॉन्स आया बच्चों का। अब यहीं से हमारा स्टेटमेंट ऑफ द एम, या फिर आप जिसे कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, ये आएगा। इसमें आप लिखेंगे, यानी उद्देश्य कथन में आप लिखेंगे टुडे वी विल स्टडी अबाउट द स्टोरी द बियर स्टोरी, ठीक है। आगे हम देखेंगे आपके प्रेजेंटेशन क्वेश्चंस।
प्रेजेंटेशन क्वेश्चन की बात की जाए, ये आपके प्रस्तुतिकरण प्रश्न होते हैं। इसमें आप टॉपिक से रिलेटेड बच्चों से कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन टाइप के आपके जो भी क्वेश्चन आंसर मेथड होगा उसका यूज करते हुए आप बच्चों से क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद आप पूरे टॉपिक को रीड करवाते हुए यानी उसका इंट्रोडक्शन देते हुए पूरे टॉपिक के बारे में समझाते हैं। इसके लिए आप कॉलम बनाएंगे फर्स्ट सीरियल नंबर, दूसरा रहेगा टीचिंग पॉइंट, थर्ड है आपका पीपल टीचर एक्टिविटी, फोर्थ है स्टूडेंट रिस्पॉन्स, फिफ्थ है टीचिंग मेथड और आपका सिक्स रहेगा ब्लैक बोर्ड वर्क। तो इस तरह से आप सिक्स कॉलम मेंशन करेंगे। फर्स्ट आपका स्टैंजा रहेगा, इसमें आप लिखेंगे टीचर इज शोइंग पिक्चर ऑफ अ बियर, ठीक है, टीचर इज रीडिंग द स्टोरी इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स। यहाँ पर डॉट डॉट करके दिया है यानी स्टोरी बताई गई है। इसमें दिया है आपका There was once a lady, she dash dash like a dog is a pet to get somewhat, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट रिस्पॉन्स में स्टूडेंट आर लुकिंग एट पिक्चर, स्टूडेंट आर लिसनिंग एंड रीडिंग स्टोरी। टीचिंग मेथड में आपने डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड यानी आपका जो प्रदर्शन विधि होती है उसका यूज किया है यहाँ पर, और साथ ही आपने नरेटिव मेथड यानी वर्णन विधि या जिसे आप व्याख्यान विधि भी कहते हैं इसका यूज कर रहे हैं। यहाँ पर आपने फ्लैश कार्ड का यूज किया है, वर्ड है आपका मैनर यानी फ्लैश कार्ड में आप आधा आधा यूज करते हैं, उनको जोड़ करके बच्चों को सिखाएंगे। मैनर इसको आपने आधा करके दिखाया है, शैगी हेल्पलेस टीस हैंडफुल। तो इस तरह से आप बच्चों को फ्लैश कार्ड में शो करेंगे इन वर्ड्स को। स्टूडेंट रिस्पॉन्स में स्टूडेंट आर लुकिंग एट इट, यहाँ पर यानी टीचिंग मेथड में आपने यूज किया है डेमोन्स्ट्रेटिव या डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। और ब्लैक बोर्ड वर्क में आप ऐसे ही वर्ड दिखा सकते हैं जैसे कि यहाँ पर दिया है शैगी हेल्पलेस मैनर, ऐसे चीजें आप दिखा सकते हैं ब्लैक बोर्ड वर्क के लिए। यहाँ फिर आप लिखेंगे यानी पीपल टीचर एक्टिविटी में टीचर विल मेक द स्टूडेंट टू रीड द स्टैंजा, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट एक्टिविटी में स्टूडेंट द स्टूडेंट इज रीडिंग द स्टैंजा यानी जो बच्चे उस स्टैंजा को रीड करेंगे। यहाँ फिर से आप नरेटिव मेथड का यूज कर रहे हैं यानी वर्णन विधि का। फिर आगे हम इसी में देखेंगे। फिर आप यहाँ पर यानी नेक्स्ट पेज पे यहाँ पर दिया है वर्ड मीनिंग, तो आप इन चीजों को देख लीजिए। आप वीडियो पॉज करके इन चीजों को आराम से लिखिएगा। स्टूडेंट एक्टिविटी में फिर वही लिसनिंग एंड राइटिंग दिस वर्ड इन वर्क बुक, ठीक है। ये भी जो आपके वर्ड मीनिंग है इन्हीं चीजों को बच्चे राइट करेंगे और सुनेंगे भी। यहाँ फिर से नरेटिव मेथड, फिर से आपका ब्लैक बोर्ड वर्क आएगा। उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, जो भी आपकी स्टोरी है उससे रिलेटेड आपका एक्सप्लेनेशन है। आप इन चीजों को वीडियो पॉज करके आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो स्टोरी है वो कम्प्लीट हो रही है, साथ ही आपके प्रेजेंटेशन क्वेश्चन भी कम्प्लीट हो गए हैं। स्टूडेंट एक्टिविटी में फिर वही चीजें और यहाँ पर आपका एक्सप्लेनेशन मेथड, क्योंकि आप स्पष्टीकरण दे रहे हैं स्टोरी को लेकर के, ठीक है। तो आप इन चीजों को वीडियो पॉज करके आराम से लिख सकते हैं। आगे हम देखेंगे कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चंस। आप अगली हेडिंग डालेंगे कॉम्प्रहेंसिव मेथड या कॉम्प्रहेंसिव आपके क्वेश्चन होते हैं यानी जिसे आप बोधात्मक प्रश्न कहते हैं। इसमें आप बच्चों का मानसिक स्तर जांचते हैं। इसके लिए आप कोई भी प्रश्न दे सकते हैं जो भी आपने टॉपिक को पढ़ाया है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड द लेडी फाइंड द बियर कब क्वेश्चन मार्क, हाउ डिड शी ब्रिंग इट अप, फिर से आपका क्वेश्चन मार्क। फिर आपका सेकेंड क्वेश्चन है वॉट डिड द बियर ईट, देयर वर टू थिंग्स ही वॉज नॉट अलाउड टू डू क्वेश्चन मार्क, वॉट वॉज दे, फिर क्वेश्चन मार्क। थर्ड है आपका वेन वॉज द बियर टाइड अप विथ अ चेन वाय, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आपके कॉम्प्रहेंसिव मेथड इसी प्रकार के आप कोई भी प्रश्न दे सकते हैं यानी कोई भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं जो भी आप टॉपिक को लेकर के चल रहे हैं। फिर आप डालेंगे ब्लैक बोर्ड वर्क यानी ब्लैक बोर्ड समरी। इसमें आप ब्लैक चार्ट को काट करके व्हाइट स्पार्कल पेन से चीजें वैसे ही मेंशन करेंगे जैसे कि फर्स्ट पेज पे करते हैं। डेट क्लास सब्जेक्ट पीरियड ड्यूरेशन, इसके बाद टॉपिक आएगा आपका। फिर आप यहाँ पर वर्ड मीनिंग जैसे कि दिया है आप वर्ड मीनिंग डाल सकते हैं। आप चाहें तो क्वेश्चन आंसर मेथड का भी यूज करते हुए जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन आंसर दिए हैं ये भी आप चाहें तो ब्लैक बोर्ड वर्क में शो कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इन चीजों को देख लीजिए, आप वीडियो पॉज करके आराम से लिखिएगा। फिर आगे हम देखेंगे इंस्पेक्शन वर्क यानी जिसे आप निरीक्षण कार्य कहते हैं। इसमें आप क्लास का निरीक्षण करेंगे जब छात्र या छात्राएं
श्याम पटकार अपनी उत्तर पुस्तिका में उतार रहे होंगे। इसमें आप लिखेंगे, टीचर इज टेकिंग अराउंड इन द क्लास व्हाइल द स्टूडेंट इज रीडिंग द स्टोरी। ठीक है, तो ये हो गया इंस्पेक्शन वर्क। आगे हम देखेंगे इसे में आपका होमवर्क, यानी जिसे आप गृह कार्य कहते हैं। तो होमवर्क की बात की जाए, इसमें आप बच्चों को घर से करने के लिए कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया है मेक सेंटेंस, सेंटेंस बनाने को दे दिए। आप चाहे तो यहाँ पर वर्ड मीनिंग दे सकते हैं, आप चाहे तो कोई भी क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख लीजिए इन चीजों को, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा लेसन प्लान नंबर 5 था वो कंप्लीट हो गया है। इसके नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे लेसन प्लान नंबर 6 को लेकर के, जो कि आपका इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा। और जो आपका टॉपिक रहेगा वो है आपका बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल स्टडी विद स्वाति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। साथ ही वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। आपके जो भी क्वेश्चन है आप उनका आंसर पा सकते हैं कमेंट द्वारा। आप कमेंट करके अपने सुझाव भी दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।